नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वह है रिकवरी के साइन एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर। जब किसी को पैरालिसिस होता है, ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है या उसे नुकसान होता है। उसकी वजह से जो ब्रेन का हिस्सा हमारे हाथ पैर को चलाता था, उसे कमांड करता था, वो कहीं रुक जाता है। तो हमारा हाथ चलना, पैर चलना, बोलना, ये कहीं ना कहीं रुक जाता है या बंद हो जाता है, कम हो जाता है। मगर जब हमें पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ता है, उसके बाद जो पहले 6 महीने होते हैं वो बहुत अच्छे पीरियड होता है। इसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी हमें हर पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अपने नुकसान को भरने की ताकत होती है, सेल्फ रिपेयर की पावर होती है। अगर आपके स्किन पे कट लग जाए तो क्या होगा? कुछ दिनों में वो भर जाएगा, बस हमने उसको बस साफ रखना होता है। इसी तरह से अगर हमारे ब्रेन के अंदर कभी क्लॉट आ जाए, नस फट जाए, ब्रेन की कुछ हिस्से को नुकसान हो जाए तो ब्रेन भी अपने आप को हील करता है। और इसको हम हीलिंग नहीं कहते, इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हमारे को हर पेशेंट के अंदर पहले 6 महीने के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है। अब इस रिकवरी में हमें क्या देखने को मिलता है? अगर पेशेंट को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान अगर कम होना शुरू हो जाता है तो उसको हम रिकवरी कहना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आवाज़ से। अगर पेशेंट कुछ नहीं बोल पाता, आ आ उ करता है और सडनली वो बोलना शुरू कर दे, पानी, खाना दे दो, चलो, तो क्या बोलोगे? रिकवरी बोलोगे। यही रिकवरी है। पहले वो कोई शब्द क्लियर नहीं बोलता था, अब एक शब्द बोलने लगा है। अब इससे आगे क्या रिकवरी होगी? कि वो दो शब्दों का मेल होना, जैसे खाना दो, बाहर चलो, यहाँ से हटो, तो अब क्या हुआ? दो दो तीन तीन शब्द आपस में छोटे छोटे सेंटेंस बनने लगे। अब जब पेशेंट पूरे के पूरे सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, मुझे बाहर जाना है, मुझे खाना नहीं खाना है, तो मतलब पेशेंट में रिकवरी अच्छी हो गई। तो हमने क्या देखा? 0 से 10 तक का स्कोर। यही साइन ऑफ रिकवरी है स्पीच के अंदर, कि स्पीच बेटर होती जा रही है। इसी तरह से अब किसी को पैरालिसिस अटैक हुआ तो हाथ बिल्कुल लटक गया, शोल्डर बिल्कुल बाहर की तरफ आ गया। अब पेशेंट के हाथ में 0 पावर, हिल ही नहीं रहा क्योंकि पावर 0 है, बट वो धीरे धीरे हिलना शुरू होता है ना, मूवमेंट आनी शुरू होती है, थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब से मूवमेंट आ रही है, हम थोड़ा थोड़ा हाथ हिला पा रहे हैं। तो अगर मैं हाथ की बात करूं तो इसकी जॉइंट को समझने की कोशिश करना, ये मेरा शोल्डर जॉइंट है। अगर हमने शोल्डर जॉइंट में रिकवरी देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे? कि वो कितना ऊपर उठ पा रहा है। अगर मैं हाथ यहाँ तक उठा रहा हूँ तो मेरा ये इंप्रूवमेंट होगी। तो अगर आप इसमें एंगल देखो अब, क्योंकि ये हमारी बॉडी के साथ एक एंगल बना रहा है ना, तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री की इंप्रूवमेंट हुई है। अगर ये 90 आ जाए तो हम बोलेंगे 90 डिग्री तक की इंप्रूवमेंट हो गई। अगर इससे ऊपर जा रहे तो हम कह सकते हैं ना इंप्रूवमेंट हमारी बढ़ गई। तो एंगल्स जो होते हैं, जो आपकी बॉडी के साथ आपका हाथ बनाता है, ये आपकी शोल्डर की इंप्रूवमेंट को बताता है। इसी तरह से अगर हम अपने हाथ, अपने एल्बो को मोड़ने की कोशिश करते हैं, ये जॉइंट यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो ये कितने डिग्री हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, अभी कितनी डिग्री मूव कर रहा है हमें पता लग जाता है कि कितने परसेंट इंप्रूवमेंट हुई। अगर हमारा हाथ ये पूरा जाएगा तो इसमें पूरी इंप्रूवमेंट हो गई। तो इसमें भी डिग्री पैरामीटर है कि कितनी रिकवरी हमें देखने को मिली। उसके बाद आती है हमारी रिस्ट, है ना। अब रिस्ट क्या करती है? ये रोटेशन और ये मूवमेंट, है ना। इससे ज़्यादा मूवमेंट तो कर नहीं सकता, खुद करके देखो एक बारी, इससे ज़्यादा मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही ना। अब समझो ये मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट, ये हो रही है नहीं हो रही, इसे चेक करोगे। इसमें डिग्री का कोई रोल नहीं है, होना या ना होना, होना या नहीं होना, ये स्टिफ है। दूसरी है रोटेशन। रोटेशन बहुत कम पेशेंट में देखने को मिलती है, बहुत अच्छी रिकवरी होने के बाद होती है। तो अगर ये रोटेशन आपकी आ रही है तो रिकवरी हो रही है, अगर वो स्टिफ है और नहीं मूव कर रहा तो हमें पता लग जाता है कि रिकवरी नहीं हो रही। अब चलते हैं फिंगर्स के ऊपर। अगर मुझे फिंगर्स में रिकवरी देखनी है तो मैं कैसे उसे जज करूँगा? वो है मूवमेंट से। अब हमारी फिंगर्स क्या मूवमेंट करती है? बंद होना और खुलना सबसे पहले। उसके बाद है इंडिपेंडेंट मूवमेंट होना, कि हर उंगली को मैं अलग अलग चला पाता हूँ। तो पहले हम देखेंगे बंद होना और खुलना। तो पेशेंट के पास पावर होती है उंगलियाँ बंद कर लेने की, सबसे पहले पावर यही आती है। क्यों आती है? अपनी उंगली की तरफ देखो, अपनी हड्डी को चेक करो कि कहाँ पे टच है। अब हड्डी के आगे यानी हाथ के अंदर हथेली की तरफ मांसपेशियों को टच करो, ये तो बहुत मोटी मोटी नहीं लग रही है आपको? और पीछे की देखो, ये बहुत पतली पतली सी बिल्कुल रेशे की तरह होती है।
यही कारण है कि किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर उंगली बंद करने की ताकत जल्दी आती है, क्योंकि जब भी हम जोर लगाते हैं तो अपने हाथ को अंदर की तरफ दबा के हम ताकत लगाते हैं, और पूरी ज़िंदगी हमने हाथ को बंद करके ताकत लगाई है। इस वजह से हमारी अंदर की जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा डेवलप होती हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करता होता है, जिनकी उंगलियां बहुत मोटी मोटी होती हैं, उन केसेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि उंगलियां बंद भी अच्छी रिकवरी लेती हैं और उंगलियां खुलना भी अच्छी रिकवरी लेती हैं। बट ये सबके साथ नहीं होता, और ख़ासकर फीमेल्स के साथ नहीं होता, क्योंकि फीमेल्स की फिंगर्स वैसे ही कुदरती रूप में पतली होती है, मसल मास कम होता है, और वो भी अंदर की तरफ ज़्यादा और बाहर की तरफ कम। बट अब ये जो रिकवरी है कैसे देख रहे हैं कि उंगलियाँ बंद करने की काबिलियत और बंद करने की ताकत कि कितनी जोर से वो आपका हाथ दबा पा रहा है। तो अगर आपका पेशेंट उंगलियां बंद कर लेता है, अपना हाथ दो और कस के दबाए, अगर वो इतनी ज़ोर से दबा पाता है कि आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाए, यानी उसकी उंगलियां बंद करने की ताकत बहुत अच्छी है। तो जैसे आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो ना, तो आपने अपने पेशेंट को बोला कि जितना दम है ना लगा दो, अगर आपको महसूस हो रहा है कि पावर बढ़ रही है तो एक साइन होता है रिकवरी का फिंगर्स के अंदर। अब चलते हैं उंगलियां खोलने की रिकवरी की साइन के ऊपर। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मुझे उसे जज करना है कि उसकी इस महीने और अगले महीने में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है फिंगर्स के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि ये उंगलियाँ बंद कर दिए ना, अब इसे खोलो। क्या वो खोल पा रहा है, हमें चेक करना है। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर ये हल्की सी भी मूवमेंट आ रही है, ये हल्की सी भी मूवमेंट आ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, अभी मूवमेंट आनी शुरू होगी तो धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट बढ़ती चली जा रही है नहीं जा रही, हम हाथ को थोड़ा बहुत खोल पा रहे हैं नहीं खोल पा रहे, तो इससे पता लग जाता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। तो अब एक एक्सरसाइज को भी बताता हूँ आपको। आप पेशेंट को बोलो कि आपने एक पेपर वेट हाथ में लेना है, अब इसे पकड़ना नहीं है, इसे छोड़ना है, क्योंकि छोड़ने के टाइम ही हम अपनी उंगलियों को खोलेंगे। तो हमने कोई सामान पकड़ के उसे छोड़ने की कोशिश करनी है। अब ये हमारे लिए बहुत आसान है, देखना बहुत आसान है, 90% पेशेंट इसे करता नहीं है, मगर आपको समझना है कि जब तक आपका ब्रेन किसी चीज़ को छोड़ने के लिए आपकी उंगलियों को खोलेगा नहीं तो ये मूवमेंट आएगी नहीं। और कोई भी एक्सरसाइज उंगलियां खोलने के लिए नहीं बनी, जितनी मर्जी बॉल चला लो, जितनी मर्जी स्प्रिंग चला लो, सब की सब एक्सरसाइज आपकी अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। अगर आपके पास ये वाली ताकत आ गई है और अभी भी आप बॉल चला रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हो, आपका हाथ कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलेगा, उंगलियां बाहर की तरफ नहीं खुल पाएगी, सामान पकड़ तो लोगे छोड़ नहीं पाओगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, साइन भी बताएं, और मैंने आपको शायद एक्सरसाइज भी पूरी की पूरी समझा दी है कि आप क्या गलती करते हो एक्सरसाइज करते समय। तो ये बात होगी हमारी शोल्डर की, हमारे एल्बो की और हमारे फिंगर्स की। अब मैं आपको फिंगर्स को अगर हम अलग कर दें तो एक तरीका और देता हूँ जिसमें आप रिकवरी के साइन देख सकते हो, वो है शोल्डर व्हील। शोल्डर व्हील अब आपके स्क्रीन पर है, इसे देख सकते हो, ये कुछ ना कुछ घास काटने वाली मशीन की तरह होता है, गोल गोल घुमाना होता है। दिल्ली के तो पार्कों में भी लगा हुआ है कि आपने लिया और ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना। तो ये सर्कल है, कितने डिग्री होते हैं एक सर्कल के अंदर, 360, जहाँ चले थे वापस वहीं पर आ गए। अब इसमें हमारा हाथ कितना ऊपर जा रहा है ना, तो आप देखोगे कि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है ना। अब शोल्डर व्हील की तरह एक घर पे लगी हुई घड़ी भी होती है, 360 डिग्री वो भी घूमती है, तो वो आपने एक शोल्डर व्हील को घड़ी बना लेना है। ऊपर लिखो 12, नीचे 6, 3, 9 और उसको पूरा कर दो, 1, 2, जैसे हम घड़ी बचपन में बनाया करते थे। अब आपका हाथ 6 पे है ना, अब आप इसको ऊपर ले जाओ कितने तक जा रहा है, अगर वो 9 तक जा रहा है या नहीं जा रहा, तो अगर ये नंबर बढ़ रहे हैं, 6 से बढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आप 10 जा रहा है ऊपर ले गए, फिर देख रहे हो कि वापस नीचे आता, 10 से ऊपर नहीं जाता, फिर आप कोशिश करते हो अगले दिन, फिर वो 11 जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, तो इस तरह से आपका जो बढ़ते हुए नंबर हैं 6 से लेकर 12 तक के इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं। क्योंकि एक बार आप 12 पे ले गए, उसके बाद नीचे तो आराम से आ ही जाता है, बट और ये क्या हो गया, हमारी पूरी शोल्डर की मूवमेंट हो गई 360। तो हमने 6 से 12 ले जाने की कोशिश करनी है शोल्डर व्हील को, और ये ना सिर्फ एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज आपकी शोल्डर की भी है, आपकी एल्बो की भी है, और कहीं ना कहीं आपकी रिस्ट की भी है। जो इसमें रह जाता है वो रह जाता है हमारी फिंगर्स। तो जितनी भी एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको बताता हूँ,
वो साइन भी देती है रिकवरी का और एक्सरसाइज भी करवाती हैं। क्योंकि जब भी किसी पैलेसिस पेशेंट को हमने एक्सरसाइज करवानी होती है तो हमने मेक श्योर करना होता है कि उसे पहले महीने में रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएं। क्योंकि अगर आपको पहले महीने में रिजल्ट्स नहीं मिलते तो पेशेंट कहीं ना कहीं हताश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सालों से पैलेसिस से लड़ रहा होता है। और इसी वजह से हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है साई संजीवनी के अंदर कि कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट हो उसे पहले महीने में ही रिकवरी के साइन अपनी बॉडी के अंदर दिख जाने चाहिए, उसकी एक्सरसाइज करने का पैरामीटर बदल जाना चाहिए, उसका स्टेमिना बदल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक आशा की किरण नज़र आनी शुरू होती है अंधेरे के अंदर तो वहाँ पर चलना आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है साई संजीवनी की ट्रीटमेंट की कि पहले महीने में ही रिकवरी किसी भी पेशेंट में शुरू करवा दी जाती है, जिससे वहाँ पर हमें चाहे सफ़र लंबा ही क्यों ना हो चलना आसान हो जाता है। तो ये तो बात हो गई थी हमारे हाथ के बारे में। अब चलते हैं पैर के अंदर। पैर कि हमें अब देखना पड़ेगा कि पेशेंट को दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि दिक्कत अगर आज की तारीख में मुझे कोई हो रही है उसमें अगर दिक्कतें कम हो रही हैं तो वही पैरामीटर है पैर की रिकवरी का, ठीक है। अब किसी पेशेंट को अगर चलने में दिक्कत हो रही है तो चलने में दिक्कत कई टाइप से आती है। पहली दिक्कत है कमर से कि मैं अपना वजन संभाल नहीं पाता, पैर तो बड़ा पा लेता हूँ बट मैं इस तरह से हिलता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपना वजन नहीं संभाल पा रहा, अपनी बॉडी को स्ट्रेट नहीं रख पा रहा। तो अगर हम कोई एक्सरसाइज ऐसी करवा रहे हैं जिसमें हमें बैलेंस बन रहा है, बैलेंस बनने की एक्सरसाइज हो रही है और इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट में साइन ऑफ रिकवरी आ रहा है। तो आपने क्या करना होता है, एक्सरसाइज बता देता हूँ। आपने एक लाइन डालनी होती है फर्श पे, जहाँ पत्थर जुड़ते हैं, टाइलें जुड़ती हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से एक लाइन बन जाती है। अगर आपके घर में नहीं बनी हुई तो उसको आप किसी तरीके से पेंट वेंट से बना दो। अपने पेशेंट को बोलो कि आपने अपने दोनों पैर इस लाइन के ऊपर रखने हैं। अब इमेजिन करो कि कलाकार आदमी है, वो रस्सी पर चल रहा है, रस्सी पे वो बैलेंस बना रहा है, बट हम अपने पैरालिसिस पेशेंट को तो बोल नहीं सकते, बट फर्श पे बनी हुई एक लाइन के ऊपर पैर रखने पर हमें वैसे ही फील होता है जैसा किसी को एक रस्सी पे चलने पर होता है। बैलेंस बनाने की दिक्कत आती है, आप खुद ट्राई करना इसको, आपके लिए भी आसान नहीं होगा दोनों पैर को लाइन में रखना। तो ये जो एक्सरसाइज बताते हैं जिसके अंदर हमें दोनों पैर को एक ही लाइन में रखना होता है, इससे पेशेंट की बैलेंस बनाने की एक्सरसाइज होती है। अगर पेशेंट इसमें स्पीड पकड़ता है, दोनों पैर को परफेक्ट तरीके से लाइन में रखता है, उसका पैर सही तरीके से पढ़ना शुरू होता है, घूमना बंद होना शुरू हो जाता है, तो वही साइन ऑफ रिकवरी है। यानी किसी भी एक्सरसाइज जो आपको चैलेंज कर रही हो, जो आपको ढंग से ना करने दे रही हो, जिसमें आपको परेशानी हो रही हो और वो परेशानी कम होती जा रही है, तो वो चीज़ अच्छी है, वो साइन ऑफ रिकवरी है। तो ये हो गई पैर के बारे में। क्योंकि पैर की मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताता, क्योंकि पैर आपको कोऑर्डिनेटेड ही चलाना होता है। जैसे हमारा हाथ है, हाथ के हमें अलग अलग मूवमेंट अलग अलग करनी होती है, बट पैर में मूवमेंट हमें एक सिंक में चाहिए होती है। आपका यू नो हिप जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपका एंकल जॉइंट, जब भी आपस में एक सिंक के अंदर, एक ले के अंदर मूव करते हैं, तब जाके हमारा पैर सही तरीके से आगे बढ़ पाता है। और लेफ्ट में अगर दिक्कत है तो राइट के साथ उसका सेम होने पर ही रिकवरी का पता नहीं लगता, बीमारी का पता नहीं लगता। तो हमने क्या करना है, अपने पेशेंट्स को बोलना है कि लाइन में चलें, उससे उनकी बैलेंसिंग क्या जो इशू है वो सॉल्व होना शुरू हो जाता है। जिन पेशेंट में लगता है कि उनको खड़ा करना ही मुश्किल है और वो पूरा दिन बेड पे लेटे रहते हैं, तो ऐसा भी मत करो। कमर की एक्सरसाइज है बैलेंस बनाने की, तो आप पेशेंट को किसी स्ट्रेट चेयर पर बिठा दो और बोलो कि आप उस पर बिना पीछे टेक लगाए सीधे बैठे रहें। जब कोई पेशेंट कुर्सी पर सीधा बैठना शुरू कर देता है तो पेशेंट का बैलेंस की दिक्कत भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो एक और पैरामीटर मैंने आपको दिया, मगर आपको जज करना पड़ेगा कि वो आपके पेशेंट पे एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर पेशेंट से चला नहीं चाहता, उसे बैलेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सीधे बैठने की टाइम पैरामीटर पे कितनी रिकवरी हो रही है, अगर वो पहले 5 मिनट बैठ पाता था, अब वो घंटे 2 घंटे बैठ पाता है, तो वो साइन ऑफ रिकवरी है। तो कहने का मतलब ये है, पूरी वीडियो का इतना लंबा हमने बना दिया, कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी मूवमेंट या एक्सरसाइज जिसमें आपको कठिनाई होती हो, उन कठिनाइयों का कम होना, उसमें आपकी पावर का बढ़ना, उसमें आपकी काबिलियत का बढ़ना रिकवरी का साइन है।
हर एक जॉइंट को, हर एक मूवमेंट को इंडिपेंडेंटली जज किया जा सकता है और हमें करना चाहिए। जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं उनको हम लिख के भी देते हैं और बोलते भी हैं कि जब भी आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो तो अपनी एक वीडियो ज़रूर बनाओ। वीडियो बनाने में क्या होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट की तरह बन जाता है, आप उसको बार बार चला के देख सकते हो कि पेशेंट के अंदर कितना सुधार हुआ है, क्योंकि पेशेंट मेरे सामने है प्रेजेंट में। मैंने पहले बनाई थी वीडियो कुछ महीने पहले, मैंने उसमें देखा कि पेशेंट का पैर मुड़ता है, अब नहीं मुड़ता जी, तो हम कह सकते हैं ना साइन ऑफ रिकवरी है। पेशेंट पहले वो बोल रहा था, वो सिर्फ कुछ नहीं बोल पाता था, माँ 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 करता था, अब बोलता है राम 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 राम। इम्प्रूवमेंट है या नहीं है? है। तो डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो रिकवरी होती है ये 100% होती है, बट ये स्लो होती है। जिस तरह से हम इतने लंबे हो जाते हैं, 6 फुट के हो जाते हैं, आप बता सकते हैं कि किस दिन लंबे हुए थे? नहीं बता सकते ना, क्यों? क्योंकि आप डेली बेसिस पे लंबे हो रहे होते हो, आपकी हाइट वेट डेली बेसिस पे बढ़ रहा होता है। तो इसी वजह से जो पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी होती है वो डेली बेसिस पे थोड़ी 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 हो रही होती है, बट वो महीने के एंड पे इतनी हो जाती है कि वो आपको वीडियो में तो नज़र आएगी बट आपको कल से नज़र नहीं आएगी, आपको एक हफ्ता पहले नज़र नहीं आएगी, बट अगर आप 4 हफ्ते पहले की पेशेंट को सोचोगे और आपके पेशेंट को सोचोगे कहोगे यार ये तो इम्प्रूवमेंट आ गई। तो ये जो रिकवरी के साइंस हैं इनको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, इसे कर सकते हो। जिन पेशेंट के पास बहुत सारा पैसा हो वो NCV टेस्ट करवा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नर्व कंडक्टेंस वेलोसिटी टेस्ट, यानी आपकी नसें कितनी स्पीड से काम कर रही हैं उसे मशीन से चेक करवाओ और उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर करवाओ, तो ये भी साइन ऑफ रिकवरी है। बट इसमें पैसा लगता है और मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ हमें दिख सकती है उसके लिए हम टेस्ट करवाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि हमने अपने पैरालिसिस पेशेंट को किस पैरामीटर पे जज करना है कि उसमें रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो लकवे से, हमारे डॉक्टर्स की टीम आपकी सेवा के लिए सदैव रहती है, 24 घंटे नहीं रहती बट वो दिन में ज़रूर काम कर रही होती है। तो आप उनको फ़ोन कर उनसे बात कर उनको अपनी रिपोर्टें भेज कर अपनी MRI CT स्कैन आपकी जो दिक्कत है ना वो सॉल्व करवाएंगे, जिसे हमने इनकी करवाई। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में, राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे, अगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुली हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इम्प्रूवमेंट मिला एक महीने के साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई, कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8/8 20 मार्च को। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मेरे को, मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था, सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मैंने कहा मेरे हाथ पर और पैर में चींटियां चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, बंधु घर, तो स्कूटर पर बैठा के मुझे 11 बजे ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन, उसके बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आया तो क्या कंडीशन थी उस समय? तो मैं लेफ्ट एंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी, कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे आग वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका। अच्छा। और जब साइंस इंजीनियरिंग में तो क्या कंडीशन थी? साइंस इंजीनियरिंग में जब आया तो मैं चल तो रहा था मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी थोड़ा सा बताओ? हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी जाती थी। अच्छा। अब पूरा हाथ उठाओ, अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीजों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में हुआ? एक महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पे इतनी मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा ब्रेन पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती।
जो रुकी हुई इम्प्रूवमेंट थी, जो रुकी थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मोड़ी हुई थी, वो सिर्फ वन मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी एक महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, दो तीन महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की दवाई खा लूँगा मगर मुझे सही हो। अच्छा ठीक है, चलिए इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। कितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, कितनी अगले महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होंगे। अभी सुनने में आया बाइक से आए हो, बाइक चलाकर आए हो, पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता, नहीं बेटे के साथ में, बेटा मेरा। कितने टाइम लगा था आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने बाद ठीक है। इनमें बहुत तेजी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने कुछ टाइम के अंदर आए जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इम्प्रूवमेंट दिखा देता है।